धन्यवाद, थैंक यू अच्छा मुझे तो लगा कि चुप ही नहीं होंगे सबसे पहले दोस्तों आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए अपने सभी गुरुजनों का हाथ जोड़ करके नमन इस जिंदगी के लिए क्योंकि दोस्तों माँ बाप ने तो जिंदगी दी थी ऊपर वाले ने जिंदगी दी थी लेकिन उस जिंदगी को हसीन अगर किसी ने बनाया है तो ये मेरे आदर्श मेरे मार्गदर्शक लोगों ने बनाया है वरना दोस्तों मैं था क्या उम्र कुल मिला जुला के चौबीस साल वजन सत्तावन किलो थैंक यू थैंक यू ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे सारे गुरुजन मेरे को बच्चा ही मानते हैं और ये रियलिटी दोस्तों ये उनका बड़प्पन है क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ बाप के आईने और गुरु के आई आँख माँ बाप के आंख और गुरु के आंख ऐसे होते हैं जिनकी नज़र में कभी जो बच्चे हैं वो बूढ़े नहीं होते थैंक यू नाम बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ब्लू डायमंड बन गए तो नाम बताना पड़े तो भाई ब्लू डायमंड बनने का फायदा नहीं है ऐसे अनु तो अगर आप चाहते हैं कि नाम ना बताना पड़े तो ब्लू डायमंड बनना चाहिए दोस्तों कहानी कुछ सेम है जैसा सर ने बताया अविनाश सर ने आज अगर मैं रियलिटी बोल रहा हूँ थैंक यू थोड़ी हिम्मत मिल जाती है तो दोस्तों अगर सर ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता इस बिजनेस में ना होता कहानी बिल्कुल सेम है जैसा सर ने बताया स्ट्रगल सेम स्ट्रगल था और बिजनेस में आने की चाहत थी मुझे आज भी दिन याद आता है दोस्तों आठ छः दो हजार सोलह मेरे को मेरी जिंदगी में एक बदलाव का दिन मैं बोलूं उसको तो शायद गलत नहीं होगा उस दिन मैंने दोस्तों एसलीबियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस का प्लान समझा था दोस्तों रात के तकरीबन ढाई बजे थे और मुझे याद है हमारे सभी गुरुजन श्री महिपाल सर श्री शिव कुमार सर श्री अमित दुबे सर श्री आदित्य सर के साथ में हमने बैठ करके डिस्कशन किया और शायद अगर गुरुदेव को याद हो तो शायद सबसे पहला व्यक्ति था जो एस का प्लान देखने के बाद हाँ बोला था कि भैया करना है सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था क्यों था उसके पीछे दोस्तों मैं वजह बताता हूँ क्योंकि तंग आ चुका था अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था अपने परिवार की तकलीफों को देख करके क्योंकि जिंदगी में क्या हमने किया मेरे पिताजी ने हमें बहुत कुछ दिया जितना वो दे सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने देने की कोशिश की लेकिन दोस्तों हालत बिल्कुल सेम थी छः हज़ार रुपये महीने कमाते थे पिताजी परिवार की स्थिति ऐसी ही थी जैसा सर ने बताया कि भाई छोटे भाई को इंग्लिश मीडियम से उठा करके हिंदी मीडियम में डाल दिया तो वो मैं ही था जो कि इंग्लिश मीडियम से निकल करके हिंदी मीडियम में गया था और दोस्तों जब ये दिन हमने देखे पिताजी मेरे दुकान करते थे माता जी मेरी सहारा बैंक जो होता है उसमें एजेंट का, का काम करती थी तीन चार हज़ार रुपये कमाती थी मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मम्मी के साथ मैं ना उनका हाथ पकड़ करके या फिर शाम के टाइम मम्मी जब कलेक्शन वगैरह करने जाती थी तो मैं उनके साथ जाता था और मुझे बड़ा दुख होता था जब वो किसी के घर पे जाती थी तीन सौ रुपये लेने के लिए दो सौ रुपये लेने के लिए तो कभी कभी मैं दो देखता था और सोचता था कि यार अंकुर तेरे रहते हुए तेरी मम्मी को यार घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे दोस्तों समाज में ये धारणा है कि औरतों का काम होता है दोस्तों घर पर रहना घर को सुख खुशहाल बनाना लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी जब काम करती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था पिताजी जब दुकान छोड़ कर के जाते थे तो बड़ा दुख होता था और कभी कभी मैं यही सोचता था कि अंकुर क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे और दोस्तों शायद ऊपर वाले को मंजूर था ए डब्ल्यू पी एल बिजनेस में इस 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 समय तो सर सर बोलता था मैंने बोला सर इस काम को करेंगे क्यों करेंगे उसके पीछे वजह है क्योंकि मैंने दोस्त इस प्लान में जब देखा कि यार तीन लोग को ज्वाइन कराओगे ढाई हजार का चिखाएगा मैंने बोला यार अंकुर तू दस रुपए बचाने के लिए मुझे याद है मेरे पिताजी दुकानदार थे मैं पिताजी से हर हफ्ते तीन चार हज़ार रुपये लेकर के खरीदारी करने के लिए मार्केटिंग करने के लिए मैं आपके मैदागिन पर आता था हमारे दुकान की मार्केटिंग वहीं से होती थी मुझे याद है सुबह सात बजे हमारे गाजीपुर से ट्रेन आती थी और यहाँ पे वाराणसी सिटी पे जब ये ट्रेन रुकती थी तो जब मैं बाहर निकलता था ना तो ऑटो वाले बोलते थे भैया मैदागिन का पंद्रह रुपया मेरे को याद है दोस्तों बोलते थे मैदागिन का पंद्रह रुपया अब मैं यही सोचता था कि यार अंकुर मैदागिन यहाँ से ढाई तीन किलोमीटर दूर है अगर तू पंद्रह रुपया बचाना चाहता है तो तेरे को ढाई तीन किलोमीटर चलना पड़ेगा और दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ऊपर वाला मालिक साक्षी है मैं ढाई पंद्रह रुपया बचाने के लिए ढाई तीन किलोमीटर पैदल जाता था रियलिटी में आपको बता रहा हूँ वो दिन हमने देखे ढाई तीन किलोमीटर पैदल जाते थे और मुझे ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मेरे दुकान का जो सामान आता था ना वो ट्रांसपोर्ट से आता था कभी कभी हमारे पास एक दो झोले हम लोग लेकर के जाते थे मेरे दुकान के दो तीन झोले हम लोग लेकर के जाते थे ताकि हम उस झोले में माल को रख के लेकर के आएंगे तो उस सामान का ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं देना पड़ेगा तीस चालीस पचास रुपये बच जाएंगे और दोस्तों मुझे याद है मैदागिन से दोनों झोले हाथ में भर के मैदागिन से लेकर के फिर सिटी स्टेशन तक तीन किलोमीटर दोस्तों में पैदल चल के आता था ट्रेन में जाता था ट्रेन में बैठ करके फिर गाजीपुर घाट पर उतर करके तीन दो किलोमीटर मेरा घर वहाँ से पड़ता था वहाँ तक मैं पैदल जाता था यह हाथ बिल्कुल दर्द करने लगता था लेकिन क्यों ये काम करते थे ताकि पैसे बच जाएँ और मुझे याद है जब मैं अविनाश सर के इधर जब मैं बी में जाता था तो कभी कभी मेरे पिताजी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ शायद आज सर को ये बात पता चलेगी मेरे पिताजी इनको देने के लिए देते थे एक हज़ार पंद्रह सौ दोस्तों मैं इनको 500-400 रुपए ज्यादा देके आता था ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ रोजी रोटी की कसम खा के 500-700 रुपए ज्यादा देके आता था था क्योंकि मेरे पिता मेरे पिताजी से हिसाब नहीं लेते थे मुझे पता था कि पंद्रह सौ रूपये में होना नहीं है हजार रूपये में होना नहीं है लेकिन किसी तरीके से दोस्तों जिंदगी काटनी थी कटी और शायद ए डब्ल्यू पी एल बिजनेस का जब प्लान मैंने देखा मैंने बोला सर डिसीजन लिया मैंने बोला काम करेंगे सर और आईडी दोस्तों लगाई लगाने के बाद जब मैं मार्केट में निकला मेरे सभी अपलाइन खासतौर से हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर आदित्य सिंह सर मैं नमन करता हूँ दोस्तों शायद अगर ये बिजनेस मै ना मेरे साथ देते तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़ा ना रहता क्योंकि अगर मेरे को किसी ने फोल्डर पकड़ना सिखाया था ना मेरे दोस्त तो मेरे को आदित्य सर ने सिखाया था मेरे को पहली बार किसी ने प्लान देना सिखाया था तो आदित्य सर ने सिखाया था मेरे को किसी ने फॉलोअप करना सिखाया था तो आदित्य सर ने सिखाया था और दोस्तों मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां जरूर हो जाए गुरुदेव के लिए सर ने बोला कि भैया चलो शुरुआत करते हैं मैं जाता था दोस्तों क्योंकि सर भी आते थे शनिवार को रविवार को दुबे सर आते थे शनिवार को रविवार को और दोस्तों पूरे पांच दिन बचे हुए हफ्ते में मैं ही काम करता था गाजीपुर में मैं दिन में दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ पिताजी से हमने छुप छुपा करके जैसा सर ने बोला छुप छुपा करके हमने काम करना शुरू किया जब मैं सुबह में घर से निकलता था तो दोस्तों मैं स्कूल का ड्रेस पहन के निकलता था और मैं ड्रेस में जाकर के किसी को प्लान देता था रात में जब मैं लेट में घर पे वापस आता था तो मेरे पिताजी मेरे को गालियां दिया करते थे बोलते थे निकम्मा घूम करके आ रहा है कहीं हमारा गर्दी कर रहा होगा और दोस्तों रात रात में जब मैं आता था तो मैं कभी कभी गालियां सुनता था दिन भर में तीन तीन चार चार प्लान दिखाया होता था चार लोग को प्लान दिखाया पांच लोग को प्लान दिखाया एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती थी फॉरन तक लोग नहीं भरते थे और मुझे आज भी याद है वो दिन मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी दोस्तों तो मैंने 38 लोगों को प्लान दिखाया था 38 और 38 में से एक सिंगल व्यक्ति ने दोस्तों फॉर्म तक नहीं भरा था इस बिजनेस को मैंने तो ज्वाइन कर लिया लेकिन मेरे साथ 38 प्लान दिखाने के बाद भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ और जब कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे को कभी कभी मन में आता था कि यार कैसे होगा काम मैं दुबे सर को फोन करता हूँ और शायद गुरुदेव का अगर मोटिवेशन ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता सर मेरे को बोलते थे अंकुर करते जाओ करते जाओ करते जाओ और प्लान दिखाओ और लोगों से मिलो और लोगों से मिलो दोस्तों जितने जानने वाले थे सबको प्लान दिखा दिया अड़तीस चालीस लोग को प्लान दिखाया अड़तीस लोग को प्लान दिखाया और एक व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया मन निराश हो जाता था लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं मेरे दोस्त जब इंसान के पास दाहिने बाएं और पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता ना तो इंसान आगे जाता है और यही मेरे साथ हुआ मेरे पास ना तो दाहिने जाने का ऑप्शन था ना तो बाएं जाने का ऑप्शन था और ना मैं पीछे जा सकता था क्योंकि इसके अलावा हम करते भी क्या अपनी जिंदगी में पिताजी के साथ दुकान कर लेते ज्यादा से ज्यादा कोई नौकरी कर लेते पंद्रह बीस हजार की पढ़ने लिखने में उतना मन लगता नहीं था मैं रियलिटी बता रहा हूँ पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था क्योंकि मैंने देख लिखने के बाद होता क्या है पिताजी के दो भाई थे जो मेरे चाचा दोनों डॉक्टर थे तीस पैंतीस हजार रुपए महीना कमाते थे दोस्तों सपने थे कि जिंदगी में कुछ करना है लेकिन प्लेटफॉर्म मिला शुरुआती दौर में ऊपर वाला भी आपको परखता है मेरे को भी परखा उसने उसने मेरे को बहुत परखा दोस्त मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ गाजीपुर का ऐसा कोई गली नहीं होगा जिस गली में मैं गया ना हूँ ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जिस पे बैठ करके मैंने लोगों को प्लान ना दिखाया हो ऐसा कोई रोड नहीं होगा जहाँ पे खड़ा होकर के मैंने लोगों को इनवाइट ना किया हो मैं बोलता था भैया मेरा प्लान सुन लो कभी कभी मेरे से ज्यादा उम्र वाले लोग मेरे को मिल जाते थे और वो मेरे सर पे से हाथ फेर करके बोलते थे

मेरे गुरुदेव लोग मेरे को एक ही बात बोलते थे अंकुर कुछ दिनों कुछ दिनों दिनों की की तकलीफें हैं हैं मुसीबतें बेटा आगे बढ़ एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू स्टेज पर खड़ा और हजारों लोग तेरे को सुनेंगे भाई ज्वाइनिंग की तो बात ही छोड़ दे थैंक यू दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ काम के दरमियान जब मैं कटोरा स्टेडियम में जाता था दिल्ली जब मैं दिल्ली जाता था तो मैं कभी कभी जब स्टेडियम में बैठा होता था किसी की बातें सुनता था कभी हमारे गुरुजी जी श्री कुमार सर की बातें सुनता था कभी महिपाल सर की बातें सुनता था कभी किसी की बातें सुनता था दिमाग में एक बात आती थी कि यार अंकुर यार ऐसी जिंदगी चाहिए बड़ा डरावना लगता था भाई साहब ये स्टेज में रियलिटी बोल रहा हूँ अभी भी मेरे पैर काप रहे हैं बड़ा डरावना लगता था स्टेज यार कब पहुंचूंगा मैं यहाँ पर तीन साल हो गए थे सर बिजनेस में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी दो साल हो गए थे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी लेकिन बड़ा डरावना लगता था कि कब पहुंचेंगे यार कितने, कितने तकलीफें भले से जितनी आई हो मुसीबतें जितनी आई हो लेकिन आज तक ऊपर वाला मालिक साक्षी है भाई साहब साढ़े चार, चार साल स्लीपियस वेलनेस में हो गए साढ़े साल में एक सिंगल डे दोस्तों में निगेटिव नहीं हुआ कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लोग छोड़ने की बात कर देते हैं कसम बता रहा हूँ आज तक बिजनेस को छोड़ने का जो बात होता है ना मेरे जवान से नहीं निकला नहीं निकला कभी कि यार बिजनेस को छोड़ देंगे क्योंकि जब मेरे दिमाग में थिंकिंग आती थी ना मैं डर जाता था कि यार तू तो करेगा क्या होगा क्या और दोस्तों बस वही दिन था कि मैं निगेटिव नहीं हुआ तमाम मुसीबतें आई प्रॉब्लम्स आई कभी अपलाइंस से कुछ नोकझोंक हो जाती थी हो जाती है बिजनेस में मुझे याद है एक बार मेरी आदि सर से हो गई थी किसी बात को लेकर के और दोस्तों वो दिन था हुआ था जश्न हुआ कंपनी का तीन साल पूरा हुआ था जश्न में अनिल कुरी सर ने एक स्पीच दिया प्लाइन को लेकर के दोस्तों मैं रियलिटी बताऊं उस हॉल में बैठ करके उस मैदान में बैठ करके दोस्तों मैं ढाई घंटे रोया था और मीटिंग खत्म होने के बाद पहला व्यक्ति था सर आदि सर के पैर में गिर के मैंने माफी मांगी थी क्योंकि मेरे से गलती हुई थी मेरे दोस्त याद रखिएगा इस बिजनेस में आपका अपलाइन कभी आपके साथ गलत नहीं करता उस समय के लिए हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है लेकिन कभी अपलाइन गलत नहीं करता और दोस्तों मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे अपलाइनों का साथ ना होता तो मैं यहाँ नहीं होता 38 प्लान दिखाने के बाद एक व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हुए और अभी आज वो डायमंड बनकर के भी आ रहे हैं श्री विनोद प्रसाद जायसवाल जी

कि यार अंकुर जब तेरा दिन आएगा ना तो यार फिर वही मंच होगा वही स्टेज होगा तू क्योंकि जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती वो इस स्टेज पे खड़ा होकर दहाड़ नहीं सकता मेरे दोस्त अगर आज आपके साथ तकलीफें आ रही है तो निराश नहीं होना घबराना नहीं कि नहीं ऊपर वाला बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है बहुत मुश्किल हो रही है याद रखिएगा, मुश्किल रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को दिए जाते हैं कचड़ों को नहीं दिए जाते हैं अब मुझे पता था मां कसम बता रहा हूं जिस दिन से बिजनेस में आया ना, तब से लेकर के आज तक सर अपने आप को हीरो माना मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है कोई ये सोचता होगा भैया छोटा सा है पतला सा है क्या है मुझे नहीं पता मैं अपने आप को हीरो मानता था भले से मैं उस समय ब्रॉन्ज रहा सिल्वर रहा लेकिन उसी दिन अपने दिमाग में डायमंड बन गया था कि यार एक दिन तो ऐसा आएगा और दोस्तों शायद आज उन्नीस दिसंबर का दिन मेरे साढ़े चार साल का करियर का आज ये एक ऐसा दिन है जब मैं इस स्टेज पर खड़े होकर के दोस्तों बोल रहा हूँ आज से पहले कभी बोला नहीं था इस स्टेज पर समस्याएं खत्म हुई ज्वाइनिंग आई लोग आना शुरू हुए बहुत सारी तकलीफें आई कई बार टीम टूटी कई बार एक साइड के लोग छोड़ करके चले गए कई बार लोग निगेटिव हो गए कई बार तमाम मुसीबतें आई लेकिन बस एक ही चीज अपलाइन ने बोला था बेटा सिस्टम को फॉलो करना सिस्टम को फॉलो करना और लगातार लगे रहना कभी दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ साढ़े चार साल हो गए ऐसा कोई सिंगल डे मैंने बिजनेस में गैप नहीं दिया सर जिस दिन मैं ये बोल सकूँ कि मैं हॉलीडे पे हूँ छुट्टी पे हूँ मैंने ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैं लोगों से नहीं मिलता था रोजाना चार पांच प्लान करता था छे -छे प्लान प्लान हम लोग करते थे कभी गाजीपुर की रोड पे बाइक आ गई मेरे पास हम लोग बाइक से चलते थे इतनी धूल उड़ती थी तमाम तकलीफें आती थी बहुत सारी समस्याएं कभी खाली पेट रह करके दोस्तों पूरे दिन दिन भर में प्लान करना पड़ता था ठंडी का दिन आता था यहाँ में याद है पेपर लगाते थे हम लोग पेपर लगा लगा के दोस्तों हमने काम किए बस ये सोच करके काम किया उस समय चेक नहीं बनता था दो हजार एक हजार पांच सौ का चेक बनता था लेकिन बस ये पता था कि अंकुर हजार दो हजार पांच हजार का भाई आज चेक बन रहा है लेकिन एक चीज याद रखना जब आज ये जो लोग हैं जब तू इनको हजार दो हजार पांच हजार दस हजार पहुंचा देगा बेटा तू लाख रुपया पहुंच जाएगा और दोस्तों आज मैं काम अपने लिए नहीं करता मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आज महीने की लाखों रुपए की इनकम आती है ऐसा कोई महीना नहीं होगा कि तीन चार लाख का अचीवमेंट ना आता हूं मैं बोल रहा हूं। यार जब से का खोल के दिखा रहा हूँ लोगों को आज जब मेरे को याद जब मैंने गाड़ी खरीदी थी मेरे साथ ज्ञानेंद्र सर थे और ज्ञानेंद्र सर को मैं लेकर जा रहा था संजोक से क्या हुआ मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था तो मेरा डाउनलाइन मैं ड्राइवर की सीट पे था लड़का मेरे बगल में था गुरुदेव पीछे बैठे हुए थे अब लड़का गलती से उतर गया उसको जहाँ जाना था मैं आगे हूँ गुरुदेव पीछे बैठे थे मैं अपने कॉलेज के पास अपनी गाड़ी रोका अब ग्रुप के हम लोग शायद किसी का वेट कर रहे थे वैसे ही मैं क्या हुआ मेरे एक टीचर मेरे को दिख गए जो मेरे को पढ़ाते थे कभी अब वो मेरे को दिखे अब भाई इंसान क्या करेगा उतरेगा पैर जरूर छुएगा उन्होंने मेरे को देख लिया शीशे में मैं उतरा पैर छुआ अब मैं एकदम सूट पुट में था एकदम संजोक से दिन वाइट वाइट पहना था सर से मैंने पैर छुआ सर को मैंने बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ सर ने मेरी गाड़ी देखी अंदर सर को देखा और सर को देखने के बाद बोलते हैं बेटा अंकुर इसीलिए बोलते थे पढ़ ले <laughs> वो मेरे को बोला कर बोले वो मेरे को कि बेटा अंकुर इसीलिए बोलते थे पढ़ ले वो मेरे को ड्राइवर समझ रहे थे अब उनको कौन समझाए उनको कौन समझाए कि भैया जी शंकुर को तुम पढ़ाते थे ना आज वो लोगों को पढ़ाता है दोस्तों संघर्ष बड़े आए बस रुका नहीं घबराया नहीं तमाम समस्याएं मेरे सामने भी आई कभी कोई आकर के अपना प्लान दिखाता था बोलता था यहाँ पे ऐसे हो जाएगा यहाँ पे वैसे हो जाएगा मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बात बताई थी बेटा अंकुर ये विश्वामित्र की तपस्या है बेटा लगातार करना विश्वामित्र की तरह गलती मत कर देना अरे जिंदगी में मेनकाएं आएंगी यार बहुत मेनकाएं आएंगी बस तू कभी निराश नहीं होना और तू कभी भी आ खोल देख मत देना भैया तो बहुत मेहनिकाएं आई मैं रियलिटी बता रहा हूँ बहुत मेनका आई मेरे पास भी मेनकाएं का मतलब ऐसा मत समझो कंपनियों की बात कर रहा हूं <laughs> तो बहुत मेहनकाएं आई लेकिन मेरे को बस एक चीज पता थी यार सिक्का जहां से गिरता है मिलता भी वहीं से है अगर एसलिपियस में मेहनत किया है तो डायमंड कहीं और कहां बनेंगे यार एसलिपियस में ही बनेंगे लोग बन जाते थे दो साल में डायमंड कोई दुख नहीं होता मेरे को बोलने में मैं भाई साहब साढ़े तीन साल में डायमंड बना था बनाने में समय नहीं लगता।, महल बनाने में समय लगता है एक बार बना लेना गुजरने वाले लोग देखते रह जाएंगे तेरे महल को दोस्तों स्लीपियस वेलनेस की वजह से बिजनेस तो महल जैसा बनाई दिया घर भी महल जैसा बनाया है कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है मेरे घर के अगल बगल जब कोई रोड से गुजरता है ना और जब घर के बाहर सबसे आगे बलेनो खड़ा देखता है उसके पीछे एम जी हेक्टर खड़ा देखता है उसके पीछे बी एमडब्ल्यू खड़ा देखता है एक बात जरूर पूछता है किसका है वो जरूर पूछता है किसका है भैया उसको क्या पता की डब्ल्यू पी एल के शेयर का है तो दोस्त बस उस दिन तक का इंतजार हमें भी करना था हमने किया आपको भी करना पड़ेगा अगर आप करने के लिए तैयार हैं ये प्लेटफॉर्म और ये स्टेज आपका इंतजार करना है कर रहा है और दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है कंपनी ने जितने टारगेट दिए कोई टारगेट अंकुर ने मिस नहीं किया अरे पहले दिन से ही प्लानिंग करते थे और आज तक का रिकॉर्ड है साढ़े साल में

अभी तो एक है अब मैं आपको एक कमिटमेंट और करता हूं 2022 का सूरज का सूरज ढलेगा इस एक के आगे जीरो लगा देंगे दस डायमंड का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी आप सोच लीजिएगा कौन है अब जो हमारी टीम से वो समझ जाए दोस्तों प्लानिंग बहुत बड़ी है आज अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं अपनी टीम को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्त जहां जरूरत पड़ेगी आज भी ग्राउंड में काम करता हूं भाई साहब कोई शर्म नहीं आती आज भी प्लान दिखाता हूं आज भी लोगों को इनवाइट करता हूं आज भी लोगों को मोटिवेट करता हूं घर पे बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पहले जब मैं घर पे बैठता था तो पिताजी गाली देते थे मम्मी ताने मारती थी लेकिन आज घर पे बैठना इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि लगता है कि यार ये जो टीम में जो तेरे साथ लोग अंकुर जुड़े हैं ना अरे तेरे जैसी तकलीफें इनकी भी हैं तेरी जैसी समस्याएं इनकी भी हैं तेरे जैसे सपने इनके भी हैं दोस्तों मैं अपनी टीम को एक वादा देना चाहूंगा बस आप साथ दीजिएगा मैं दोस्तों अपना जान लगा दूंगा अरे दो कदम आप चलने का डिसीजन लीजिए बीस कदम चलने के बाद जो जगह पड़ेगी दोस्तों अंकुर कुमार गुप्ता और उसकी अपलाइन आपको खड़े मिलेंगे इसका वादा मैं आपको देता हूँ बाकी दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने सभी अपलाइनों का जिनकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ हमारे ग्रेट गुरु श्री अविनाश कुमार गुप्ता सर आदित्य सिंह सर ज्ञानेन्दर सर मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों सर ना होते तो शायद मैं इस बिजनेस में कभी कब का दोस्तों खत्म हो गया होता हमारे गुरु विकास कुमार सर अमित कुमार दुबे सर हम सारे लोग के दोस्तों आइडियल हैं बताने की जरूरत है दोस्तों जैसा सर ने बताया कि टाइम टू टाइम श्री कुमार गुरु हमारे घर पर आकर के दोस्तों हमारे मम्मी पापा का फॉलोअप करते थे ये बिल्कुल सच्चाई है सर आते थे बोलते थे किससे मिलवाना है किससे मिलवाएगा बता हमने बोला मम्मी पापा से मिल लो बोला टीम में मिलवा हमने बोला बाकी हम संभाल लेंगे आप तो खाली मम्मी पापा को समझाओ और दोस्तों पहले दिन से अकेले काम किया है और इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज शायद मैं यहाँ पर हूँ और दोस्तों इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंचने में, में मेरा कोई रोल नहीं है मेरा रोल मात्र दोस्तों दस परसेंट का है अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो हम सारे लोगों के महागुरु मिस्टर संजीव कुमार सर की कंपनी की देन है दोस्तों आज मैं यहाँ पर हूँ थैंक यू हमारे कंपनी के लाजवाब प्रोडक्ट्स की देन है दोस्तों जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ हमारे कंपनी के बेस्ट मैनेजमेंट की देना है यहाँ पर हूँ हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम की देना है तो कुछ था ही नहीं अरे अंकुर तो पहले भी था। कोई नहीं जानता था। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके देखते हैं अपने को बाकी दोस्तों ये दिन अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी टिकना पड़ेगा टिक सकते हैं बाकी दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू